एमफिल मार्केटिंग जब मैंने किया, जॉब के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़े। 15,000 उस टाइम जो है वो बेसिकली पे मिलती थी। आज कितना कमा रहे? 15 से 20 लाख ऑन एवरेज जो है वो, इससे भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 6 माह जो है वो लग गए थे काम करते करते। 6 माह कोई अर्निंग नहीं थी? नहीं, अर्निंग नहीं थी। 3500+ कंपनीज, इंटरनेशनल बिजनेसिस के साथ जो है वो मैं काम किया। US की एक सबसे बड़ी ट्रकिंग कंपनी है Simba 7 Media, उसके साथ एज अ डायरेक्टर सोशल मीडिया मार्केटर भी मैं काम कर रहा हूँ। आपकी तरह कमाना चाहता है तो वो कितना अरसे में ये सब कुछ कर सकते? प्योरली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आप लोग टाइम कितना दे रहे हैं। नई बात डिजिटल के साथ, मैं हूं सैयद बदर सईद। नाजरीन, पाकिस्तान के नौजवानों ने सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया है। हमारे साथ मौजूद हैं आज ऐसे ही एक नौजवान फैसल अब्बास, जिन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अच्छी शोहरत हासिल है और मुस्बत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का अच्छा चेहरा लोगों के सामने ला रहे हैं। आज इसी हवाले से इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपने सफ़र का आगाज कहां से किया और कहां तक जाने की उम्मीद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फैसल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने कहां से अपने इस सफ़र का आगाज किया? मैं बेसिकली अपनी छोटी सी स्टोरी ये है कि एमफिल मार्केटिंग जब मैंने किया तो जॉब के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़े। इवन दुबई जो है वो गया, वहाँ पे भी जो है वो नहीं बन सकी बात, दोबारा आया, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो धक्के खाए और एक्सप्लॉयड भी जो है वो हुए। 15,000 उस टाइम जो है वो बेसिकली पे मिलती थी जिसपे जो है वो हम लोग काम कर रहे होते थे। 15,000 जो है, और उसके बाद जब मैंने लास्ट पे जो ली थी और जब छोड़ी थी जॉब, तो वो 15,000 जो है वो मैं जॉब ले रहा था, प्लस होम ट्यूशंस और ये इस तरह से चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने जो रास्ता दिखाया, इस रास्ते के ऊपर लगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जो है वो काम किया। अच्छा ये बताइएगा कि आपने अपनी जो जब मुलाजमत कर रहे थे तो आखिरी तनख्वाह आपकी 15,000 थी, 15,000 आज कितना कमा रहे हैं? आज मैं अगर बात करूँ तो बेसिकली मेरे ख्याल से मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी पे इससे डबल है, जो बेसिक पे जो मैं उनको जो है वो दे रहा हूँ। तो अभी जो अगर मैं अपनी बात करूँ तो 15 से 20 लाख ऑन एवरेज जो है वो, इससे भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो है मतलब औसतन 15 से 20 लाख महाना कमा रहे हैं और इससे ऊपर भी चले जाते हैं। जी कितना साल लगे? जो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो मेरे भी इसी तरह से ही है, जब स्टार्टिंग में काम जो है वो किया तो तकरीबन 6 माह जो है वो लग गए थे काम करते करते। 6 माह कोई अर्निंग नहीं थी? नहीं, अर्निंग नहीं थी। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन उस टाइम और जो कंडीशन जो है वो होती थी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जब आप लोग होते हैं तो घर का भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्लस एक जो ताना मिलता है कि एमफिल मार्केटिंग करने के बाद भी जो है वो कोई जॉब जो है वो नहीं मिल रही, स्कूल के अंदर जो है वो कोई जॉब कर लो, या इस तरह से जो है वो चीज़ें जो है वो चल रही होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का पीरियड था। लेकिन उस टाइम पर एक चीज़ मुझे याद है जो मेरे वालिद साहब कहते थे कि आप जो है वो अपनी तरफ से मेहनत करते रहो तो अल्लाह ताला को आप पे तरस आ ही जाता है, और उसी तरह से अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी और आज अल्लाह ताला ने इस मुकाम के ऊपर पहुंचा दिया। अच्छा कितनी कंपनीज के लिए काम कर चुकी हैं अभी? राइट नो अगर जो है वो मैं बात करूं तो मैंने 3500+ कंपनीज सारी इंटरनेशनल जो है उसमें शायद कुछ 10-15 जो होंगी जो लोकली काम किया होगा, बाकी सारे के सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस के साथ जो है वो मैं काम किया है। US की एक सबसे बड़ी ट्रकिंग कंपनी है Simba 7 Media, उसके साथ एज अ डायरेक्टर सोशल मीडिया मार्केटर भी मैं काम कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, और आपने तो इन सारे काम इंटरनेशनल मार्केट के साथ किए हैं। पाकिस्तानी नौजवान को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि मैं किस तरह से कम्युनिकेट करूँगा अंग्रेज़ों के साथ, किस तरह से मैं बात करूँगा, या मैं किस तरह से अपनी बात पहुँचाऊँगा, और मुझे पैसे किस तरह से मिलेंगे, तो इन सारे मसाइल का हल किया? अच्छा, बात पहुंचाने के लिए आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो चुकी हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई मैसेज जाता है तो आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाकर उसका मीनिंग समझ सकते हैं। उसके बाद जब से ये ChatGPT आया है, गूगल बॉर्ड है, उसके अलावा बिंग आस्क जो है वो आ चुका है, आपके लिए तो कोई किसी किस्म की परेशानी रही नहीं है। आपको सिर्फ ये यूज़ करना है कि मैंने किस तरह से उस पर प्रॉम्प्ट लिखना है, उसका आंसर मिल जाएगा। क्लाइंट का अगर कोई भी मैसेज आता है उसको जो है वो आप गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर ऐड करें, ट्रांसलेशन से आपको समझ आ जाएगी बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो छोटी सी टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर भी आप अगर जो है वो ChatGPT के ऊपर चले जाते हैं, वहां पे उसे लिखें कि ये प्रॉब्लम है क्लाइंट की, मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो मुझे इसके जो है वो कोई पोस्ट बना के दे दे, इसका मैसेज बना के दे दे, तो वो आपको इतना अच्छा मैसेज जो है वो बना के दे देते हैं। आप सिंपली क्लाइंट को जो है वो सेंड कर दें जिससे आपकी जो है वो हायरिंग हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया के नाम पर बहुत फ्रॉड होती है, इंटरनेशनली भी होती है?
अच्छा, अच्छे बुरे लोग हर जगह जो है वो मौजूद होते हैं, इसका जो है वो हम लोग जो है वो नहीं कह सकते कि फलानी जगह पे नहीं होगा, फलानी पे जो है वो नहीं होगा। आपने अपने आप को फ्रॉड से, स्कैम से खुद बचाना होता है। उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब कोई पर्सन आपके साथ डीलिंग के लिए जो है वो आता है, एज अ क्लाइंट बन के आ रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है और ये बेसिकली जो है वो एक्चुअल में क्लाइंट है। आपके अब टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे पास अभी राइट नाउ जो है वो 20 ऑन साइट जो है वो काम कर रहे हैं और 30+ लोग इस तरह से हैं जो कि बेसिकली रिमोट बेसिस पे और गिग बेस जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती है तो उनसे हम लोग जो है वो काम करवा रहे हैं। यानी कि 15,000 महाना कमाने वाला शख्स आज 50 लोगों को लीड कर रहा है। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी महाना जो है वो 15 से 20 लाख इनकम है इस वक्त? एग्जैक्टली। सारी सोशल मीडिया से है या मुख्तलिफ कोई सोर्सेज हैं? और मैं प्योरली स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया में बेसिकली एड्स के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक निश सेलेक्ट की हुई है, जब निश पे आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी अर्निंग ज्यादा होती है, काम करना पड़ता है। जब जनरल चीजों के ऊपर चलते हैं काम ज्यादा हो जाता है, पैसे कम। निश का मतलब यह है कि आपने स्पेसिफिक एक डोमेन सेट किया कि मैंने इसके ऊपर की हुई। एग्जैक्टली। अच्छा, वो आगे बिजनेस फील्ड है बेसिकली। मैं अगर इसको नैरो डाउन करूँ तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग है। तो उसको पिक हम लोगों ने किया हुआ और उसके ऊपर जो है वो काम। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अगर मैं या कोई और शख्स जिसको आप बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, वो इसी तरह आपकी तरह कमाना चाहता है तो वो कितना अरसे में ये सब कुछ कर सकता है? अच्छा, ये प्योरली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आप लोग टाइम कितना दे रहे हैं और प्लस प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। तो अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर आप 50 वीडियोस भी देख लेंगे, कोर्सेज कर लेंगे, आप नहीं सीख सकते। बेशक डेली का जो है वो 1 घंटा दे लें, लेकिन 1 घंटे में अगर 10 मिनट की वीडियो देखिए तो बाकी 50 मिनट उसकी प्रैक्टिस करें, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करें। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली जो है वो काम कर रहे होंगे तो फिर आपको जो है वो पता चलेगा, अच्छा मुझे ये चीजें सीखनी है। न्यू जो भी स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, जर्नल चीजें देखना शुरू कर देता है। लाइक फेसबुक पे गए, फेसबुक मार्केटिंग सर्च कर लिया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो अच्छा ये पेज के अंदर ये फलाना प्रॉब्लम किस तरह से आ रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है ये फलानी चीज के ऊपर। क्योंकि पैसा जो होता है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर होता है, जर्नल चीजों के अंदर पैसा नहीं है। एक वो छोटी सी स्टोरी हमारे टीचर ने सुनाई थी $1 मिलियन हैमर हिट की, कि वो एक किसी कंपनी के अंदर जो है वो एक वो मशीनरी बंद होगी तो बड़े बड़े दुनिया से इंजीनियर्स आए, तो उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। उन्हें किसी ने बताया कि वो फलाना एक इंजीनियर हमारा होता था, रिटायर हो गया, तो उससे रब्ता किया जाए। वो आया, उसने मशीनरी देखी तो उसने कहा कि मैं $1 मिलियन लूंगा, इसको ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया से इंजीनियर्स बुला चुके थे, ठीक नहीं हुआ। तो वो उसने देखने के बाद एक जगह पे ना हैमर से हिट कर दी तो मशीनरी चल पड़ी सारी की सारी। वो कंपनी वाले कहते हैं अच्छा हमें रिटर्न दे दो, आपने किया क्या, $1 मिलियन किस चीज का पे करें। तो उसने लिखा था कि $1 जो है वो हैमर की हिट का, बाकी 999 जो है वो मेरे एक्सपीरियंस का है। तो अगर जो है वो आप लोग एक्सपीरियंस जो है वो गेन करेंगे तो फिर जो है वो क्लाइंट कम्युनिकेशन और जितनी भी चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसे ऐसे काम भी है, सिर्फ एक बटन प्रेस करने के, मैंने खुद $50 चार्ज किया, मैं सिर्फ एक बटन प्रेस करने का। तो सिर्फ इसलिए कि उस बंदे को नहीं पता था ये बटन प्रेस। एग्जैक्टली। तो ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फोकस नैरो डाउन होता जाएगा और आप आगे से आगे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका, और आपसे हम मजीद टिप्स भी लेते रहेंगे और अपने नौजवानों को भी बताते रहेंगे इसी तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाकर कि किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं बेरोजगारी के दिनों में, या कम जॉब आपकी है तो किस तरह से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। 15 से 20 लाख डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया मार्केटिंग में या ओवरऑल इस फ्रीलांसिंग के अंदर कमाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको फोकस करना है, आपको मेहनत करनी है और आपको अपने टारगेट सेट करने हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।